नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से बिहार में लागू हुए नए नियमों के बारे में। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है कि कई नियमों में हर वित्तीय वर्ष बदलाव देखने को मिलने ही वाले हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जो कि साल 2021 के वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य में बदल चुकी है या नए नियमों के साथ जारी की गई है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे 1 अप्रैल से जमीन दाखिल खारिज के मामले में हुए बदलाव के बारे में, जिसके तहत अब 1 अप्रैल 2021 के बाद से आपके जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान का रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज का काम पूरा हो जाएगा, जिसके तहत अब म्यूटेशन के लिए आपको कहीं जाने या अलग से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन का काम हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ता था, हालांकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। सभी आम नागरिक इस बात का खैर ध्यान रखें कि सरकार की सुविधा हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने जमाबंदी दार रैयत से जमीन की खरीद की है, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप ऐसे विक्रेता से जमीन खरीदते हैं जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है, तो आपको पहले की तरह ही ऑनलाइन माध्यम से म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना होगा। इतना ही नहीं, ऐसे विक्रेताओं के नाम से तो रसीद भी काटी नहीं जाती है। खबरों की माने तो राज्य के चुनिंदा रजिस्ट्री कार्यालय में यह व्यवस्था काम करने लगी है। इसके अलावा 1 अप्रैल से पटना जू में मॉर्निंग वॉक करना हो गया है महंगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपका सेहत बनाना महंगा हो गया है, जिसके तहत अब मॉर्निंग वॉक के लिए पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, जिसके तहत अगर आप पटना जू में हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो बेशक आपने पास बनवा रखा होगा, लेकिन अब उस पास के रिन्यूअल के समय आपसे 300 रुपए एक्स्ट्रा मांगे जाएंगे। जारी किए गए नए शुल्क के अनुसार अगर आप 3 महीने के पास के लिए 700 रुपए देते होंगे तो अब आपको 300 रुपए अतिरिक्त जोड़कर 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। नए कार्ड का शुल्क 20 रुपए बढ़ाया गया है। कार्ड बनवाने पर 100 रुपए की जगह 120 रुपए अब लगेंगे। इसके अलावा 6 महीने के पास पर अगर आप 1000 देते होंगे तो अब आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं 1 साल के पास पर जहां आप 2000 रुपए खर्च करते हैं वहीं अब 2300 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के सामान्य वॉकरों से 50 से अधिक रुपए की छूट दी गई है, इन्हें भी पहले से 150 रुपए अधिक लगेंगे। 3 महीने के पास पर 350 रुपए की जगह अब 500 रुपए देने पड़ेंगे। 6 महीने के पास के लिए पहले जहां 600 रुपए लगते थे वहीं अब 750 रुपए लगेंगे। इसी क्रम में अब जिस पास पर 1000 रुपए लगते थे उसकी जगह अब आपको 1150 रुपए लगेंगे। इसके अलावा नए वित्तीय वर्ष में मजदूरों की लॉटरी लगी है। सरकार की तरफ से जारी किए गए ताजा फैसले के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में सरकार मजदूरों की मदद करने वाली है, जिसके तहत अब सरकार ने बिहार के 1 करोड़ कामगारों की मजदूरी में 5% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, लिपिकीय और पर्यवेक्षकीय के तहत तो सरकार ने 340 रुपए प्रतिमाह से बढ़ोतरी कर दी है। लिपिकीय कर्मचारी को प्रतिमाह 314 रुपए से 340 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में अकुशल श्रमिकों के लिए भी सोचा है, जिसके तहत अकुशल श्रमिकों के परिश्रमिक में 11 से 12 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के परिश्रमिक में 11 रुपए से 19 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से टोल रोड पर सफर करना हुआ महंगा। अगर आप भी टोल रोड से सफर करते हैं तो आपके लिए ये बात खास है। अगर आपसे भी अब टोल प्लाजा पर ज्यादा पैसे लिए जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ही टोल प्लाजा पर कटने वाले पैसे में वृद्धि कर दी है, जिसके कारण ही अब आपसे टोल प्लाजा पर अधिक पैसों की वसूली की जा रही है, जिसके तहत बिहार के 25 टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से वाहन मालिकों को 5 रुपए से 15 रुपए अधिक चुकाने होंगे, जो कि 31 मार्च 2022 तक जारी रहने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने टोल टैक्स वसूली के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद से सरकार को टोल टैक्स से मिलने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि NHAI ने हाल ही में वसूले जाने वाले टोल के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके तहत पिछले साल की तुलना में इस साल विभिन्न वाहनों की श्रेणियों के टोल फीस में 1.69% से 5.88% तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी होगी राजस्व विभाग की। आवासीय आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने पर आप जब भी जाते होंगे तब अंचलाधिकारी आपको यह दस्तावेज बनाकर देते होंगे। हालांकि 1 अप्रैल से इसमें भी बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत आवासीय आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अब अंचलाधिकारी के बदले अंचलों में तैनात राजस्व पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे। लगभग 1 दशक से इन प्रमाण पत्रों को बनाने की जिम्मेदारी बिहार सरकार ने अंचलाधिकारियों को ही दे रखी थी, लेकिन इन अंचलाधिकारियों के ऊपर काम की जिम्मेदारी बहुत
ज्यादा होती है। ऐसे में सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि इसकी जिम्मेदारी अब राजस्व अधिकारी को सौंपी जाएगी। हालांकि यह भी साफ किया गया है कि राजस्व अधिकारियों के पास इस काम को पूरा करने के लिए 10 दिन का समय होगा। 1 अप्रैल से बिजली की नई दरें हुई लागू। वितरण कंपनियों ने हाल ही में 9.22% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत विनियामक आयोग के पास भेजा था। हालांकि विद्युत विनियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद बिहार में बिजली की दरों में 0.63% की वृद्धि की गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्र में 100 यूनिट पर पहले 605 रुपए लगते थे, जो कि अब 610 रुपए हो जाएंगे। 200 यूनिट पर 1290 रुपए देने पड़ते थे, जो कि अब 1305 रुपए हो जाएंगे। 300 यूनिट पर 2007 का बिल आता था, जो कि अब 2010 रुपए हो जाएगा। 400 यूनिट की खपत में 2910 के बिल में अब 5 रुपए की वृद्धि हो गई है। हालांकि सब्सिडी की घोषणा के बाद से टैरिफ में कमी आएगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को इसमें राहत दी गई है, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वालों को 3% की छूट मिलेगी। वहीं मीटर रेट या फिर फिक्स चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल से अनुमंडल और प्रखंड के उपकोषागार हुए बंद। नए वित्तीय वर्ष में अनुमंडल और प्रखंड के उपकोषागार का जिला कोषागार में विलय हो गया है, जिसके तहत ही वित्त विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना के मुताबिक उपकोषागारों के जिला कोषागार में विलय की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। हालांकि नई व्यवस्था के चलते उपकोषागारों में कार्यरत सरकारी सेवकों की सेवा प्रभावित नहीं होगी, उन्हें जिला कोषागार या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो इस वित्तीय वर्ष में बिहार में इन नियमों में भारी बदलाव देखने को मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।